हेलो भाई, वो कैसे हैं आप सब लोग? तो यार, आप सबके शहर में, आप सबके एरिया में कई ऐसी जगह होंगी जो कि थोड़ी भूता मानी जाती हैं। वहाँ पे अजीब अजीब हरकतें, कुछ लोगों ने किसी भूत को देखा भी होता है या आवाज़ें सुनी होती हैं। काफ़ी लोगों का कहना होता है कि उनके शहर में ऐसी जगहें हैं, मगर मैं इंडिया में ऐसी 5 जगहों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि एक्चुअल में भूता मानी जाती हैं। यहाँ पे कोई भ्रम या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ लोगों के साथ ये घटना एक्चुअल में घटी हुई है। और अगर इसका एक्सपीरियंस आपको भी चाहिए तो आप भी इन जगह जाके वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं इन 5 जगहों के बारे में। दोस्तों, इतिहास में दो चीज़ों को कायरता का प्रमाण माना गया है, और इसी कायरता की वजह से आज भी गोवा के एक चर्च में, जिसे द थ्री किंग्स चर्च नाम से भी जाना जाता है, जो कि आजकल एक फेमस स्पॉट बन चुका है टूरिस्ट के लिए, शायद इसकी कहानी के चलते या फिर यहाँ पे होने वाली घटनाओं के चलते। कहा जाता है आज भी इस चर्च के पास से गुजरने वाले लोगों को किसी अजीब एनर्जी का अपने आसपास होना महसूस होता है। जो लोग इसके अंदर जाते हैं उन्हें कई बार किसी तलवारों की आवाज़ सुनाई देती है, तो कभी कुर्सियाँ गिरने की। कहा जाता है कि आज भी ये तीनों राजा सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। क्या हुआ था वहाँ? तो कहा जाता है कि गोवा में कई साल तक पुर्तगालियों का राज रहा था, और यहाँ पे तीन राजा रहते थे जो कि सत्ता और पैसे के लिए आपस में लड़ते रहते थे। तो एक दिन ये बात पुर्तगाली सरकार तक पहुँच गई थी, तो किंग हॉलगढ़ ने बाकी दोनों राजाओं को डिनर पे इनवाइट करा उसी चर्च में, और उनको जहर दे के मार दिया। बाद में उन दोनों राजाओं की प्रजा को उसके बारे में पता चला, तो उन्होंने किंग हॉलगर को घेर लिया। किंग हॉलगर इस डर से कि अगर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्हें बहुत यातनाएं देंगे, उन्होंने खुद भी जहर खा के वहीं पे आत्महत्या कर ली। और फिर लोगों ने उन तीनों राजाओं की शरीर को उसी चर्च में दफना दिया गया, और उसके बाद से वो चर्च बंद रहता है। कहा जाता है कि आज भी वो राजा वहाँ पे सत्ता और पैसे के लिए लड़ रहे हैं, आज तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, आज तक वो वहीं वैसे ही लड़ते हैं। तभी वहाँ से आने जाने वाले लोगों को, वहाँ रहने वाले लोगों को उनकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है। क्या आप लोग कभी दिल्ली गए हो? यार, दिल्ली हर कोई क्यों नहीं जाना चाहेगा, काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने की जगह है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो लोग, आप लोग कभी अग्रा सीन की बावली गए? अग्रा सीन की बावली काफ़ी मूवीज़ वगैरह में दिखाई गई है, जिसके पीछे वगैरह काफ़ी मूवीज़ में ऐसे दिखाई गई है, मगर कहा जाता है कि दिल्ली में काफ़ी भूतिया जगह हैं, मगर अग्रा सीन की बात इसकी कुछ ज़्यादा ही डरावनी कहानी है। इसमें एक अलग एनर्जी, कहते हैं भूतिया एनर्जी फील होती है यहाँ पे। अग्रा सीन की बावली महाभारत के टाइम पर बनाई गई थी, और कहा जाता है कि उस टाइम से अब तक वहाँ पे एक कुआं भी हुआ करता था जिसका पानी काला हुआ करता था। वो वहाँ पे लोग उस अगर पानी में देखते थे तो उस पानी से अट्रैक्ट हो जाते थे, और वो उस पानी में छलांग लगा देते थे। वो एक सुसाइड स्पॉट भी बन गया। अग्रा सीन की बावली में दिन में तो काफ़ी भीड़ भड़का रहता है, मगर रात के टाइम पे वहाँ पे शूटिंग और वहाँ पे घूमना फिरना सब बंद है। वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे काफ़ी अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, और अगर आप थोड़ा कहीं पे ऐसी जगहों में जाओ तो वहाँ पे आपको किसी इंसान की आवाज़ें भी सुनाई देंगी काफ़ी साफ साफ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अग्रा सीन की बावली को लेकर, ये क्यों होता है, कैसे होता है, फ़िलहाल तो किसी को नहीं पता, बट बस होता है। घोस्ट लाइट, ये कह सकते हैं भूतिया रोशनी, इसके बारे में कौन कौन जानता है? आपने बचपन में शिनचैन या डोरेमोन वगैरह तो देखा ही होगा, उसमें एक लाइट वगैरह, जब उनको भूत को दिखाना होता है ज़्यादातर तो वो एक लाइट दिखाते थे जो अंधेरे में से आसमान में चमकती थी गोल 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 गोल, तो उस टाइप की लाइट को असलियत में माना जाता है कि वो एक भूतिया रोशनी होती है, और ये ऐसी रोशनी दुनिया भर में देखी जाती है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ जापान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी लाइट
दिखने का मतलब लोगों ने बताया कैसी लाइट दिखती है। तो ऐसी एक जगह इंडिया में भी है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। यहाँ पे लोगों को ऐसी लाइट्स दिखती है जो यहाँ के लोकल मछुआरे हैं खास करके उनको। तो सुंदरबन में वो रात को, रात के टाइम भी ज़्यादा मच्छी वगैरह पकड़ने नहीं जाया करते हैं क्योंकि वो मछुआरे को ही ज़्यादातर वो लाइट्स वगैरह दिखती हैं। उनका कहना ये है कि अगर उस लाइट को फॉलो करा जाए तो वो लाइट आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ पे खतरा हो, जैसे कि कहीं कोई ऐसी जगह जहाँ पानी ज़्यादा गहरा हो, या किसी दलदल वाली जगह में, या कोई भी ऐसी खतरे वाली जगह में ले जाएगी जहाँ आपकी जान जा सकती है, आपको कोई भी नुकसान पहुँच सकता है। भांगड़ के बारे में तो ज़्यादातर लोगों ने सुना है, ये इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आता है। यहाँ पे सरकार द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है कि इस फोर्ट के अंदर रात को सूरज ढलने के बाद और सुबह सूरज उगने से पहले किसी का भी जाना मना है, क्योंकि वहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि इस किले के अंदर रात को कोई भी जाता है तो सुबह लौट के नहीं आता। ऐसा क्या है हुआ वहाँ पर, आखिर ये किला शापित क्यों हुआ, इसकी काफ़ी अलग अलग स्टोरी थी जब मैं पढ़ने गया था। काफ़ी एक मुझे अलग अलग स्टोरी मिली थी इसकी, बट इसकी बेसिक स्टोरी जो थी वो सब जगह लगभग सेम थी। तो इसकी बेसिक स्टोरी मैं आपको बताऊँगा। तो कहा जाता है कि यहाँ की रानी, रानी रत्नावती, वो काफ़ी खूबसूरत थी दिखने में और एक तांत्रिक की उन पर एक बुरी नज़र थी। तो एक दिन रानी रत्नावती ने अपनी दासी को तेल लेने भेजा और वो दासी उस तांत्रिक को रास्ते में मिली। तांत्रिक ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या करने आई है, तो उन्होंने बताया कि वो रानी रत्नावती को तेल लेना आई है। तो उस तांत्रिक ने उस दासी को रानी रत्नावती के लिए अपना तंत्र मंत्र करा हुआ एक जादुई सा तेल कुछ वो भिजवा दिया। वो तेल कोई भी लगाएगा तो वो उस तांत्रिक के पास आकर्षित हो जाएगा। तो उन्होंने वो तेल उस दासी के हाथ रानी पद्मावती को भिजवा दिया। रानी भी काफ़ी सिद्ध थी इस चीज़ों में, वो इस तेल को देख के समझ गई थी कि ये तेल कुछ सही नहीं है। तो उन्होंने वो तेल अपनी दासी के हाथों वहाँ से भिजवा दिया। दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर फेंक दिया जाता। तो वो चट्टान हवा में उड़ के उस तांत्रिक के ऊपर गई और तांत्रिक के ऊपर जाके उसने उस तांत्रिक को दबा दिया। मगर तांत्रिक ने मरने से पहले भांगड़ को शराब दिया कि भांगड़ उजड़ जाएगा। अब इसके बाद की स्टोरी काफ़ी अलग अलग बताई जाती है। इसके बाद की स्टोरी में मैंने ये भी देखा कि उसके बाद मुग़लों ने वहाँ पे हमला कर दिया था और भांगड़ पे कब्ज़ा कर लिया था। कहीं ने कहा कि रानी को इस बात की भनक हो गई थी और उन्होंने भांगड़ खुद खाली करवा दिया था। तो इसकी बात की स्टोरी तो काफ़ी अलग है, तो वो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि एक करेक्ट स्टोरी है नहीं इसकी कोई। तो दोस्तों, ऊटी में एक ऐसा होटल है जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह पे है और काफ़ी खूबसूरत होटल भी है। यहाँ पे कई मूवीज़ वगैरह की भी शूटिंग होती रहती है, जैसे कि अभी हंगामा टू की हुई है, रास की, काफ़ी मूवीज़ की यहाँ पर शूटिंग चलती रहती है। तो इस होटल का नाम है फर्न हिल होटल। जो लोग यहाँ पे रुकते हैं वो काफ़ी एक अजीब एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स ने भी बताया है कि उनको एक बहुत अजीब एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला है। यहाँ पे रात को रुकने के बाद उनको ऐसा लगता था कि छत से कोई फर्नीचर खिसका रहा है, अजीब आवाज़ें आती हैं, अजीब अजीब सी कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे रुके हैं, उनको बहुत अजीब एक्सपीरियंस हुआ है। कभी लाइट्स का अपने आप जलना बुझना एक मूवी की तरह है, बट ये होटल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है देखने में। अब होता है कई पुरानी जगह, कई खूबसूरत जगह होती हैं जो दिखने में अच्छी लगती है, बट एक्चुअल में क्या है वहाँ पे वो वहीं जाके पता चलता है।